हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है तुम लोगों का और एक वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ न्यू सिमुलेटर गेम्स के बारे में। देखो यार, इस वीडियो के अंदर ना मैं अलग अलग जोनर के गेम लेकर आ चुका हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना भाई, एक भी गेम जो है ना मिस मत करना, नहीं तो आपका ही भाई नुकसान होने वाला है, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे गेम बताने जा रहा हूँ, एंड जो गेम पसंद आता है भाई डाउनलोड कर लेना, नीचे एक कॉमेंट कर देना कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा गेम पसंद आया, ठीक है। बाकी चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर जो गेम आ रही है में इंडियन रेलवे सिमुलेटर। दोस्तों ये जो गेम मैंने यार बहुत ही मस्त गेम है। इस गेम के अंदर आपको कैरियर मोड देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको रियलिस्टिक ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा, एंड आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कैमरे से ट्रेन को यहाँ पर चला सकते हो, ठीक है। मतलब ट्रेन को बाहर से भी चला सकते हो, अंदर से भी चला सकते हो, और ट्रेन का जो डैशबोर्ड है ना वो आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ भाई साउंड क्वालिटी, भाई ट्रेन का जो इंजन साउंड क्वालिटी है ना वो बहुत ही सही होने वाला है। लोग एक बार हेडफोन पहनकर खेलना भाई, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। और इस गेम के अंदर भी आपको बहुत सारे इंडियन स्टेशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको न्यू न्यू सिटी जैसे कि न्यू दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु, उसके बाद कोलकाता हो गया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे सिटी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड बहुत सारे आपको जो ट्रेन्स होती है ना, जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर शताब्दी ट्रेन हो गया, राजधानी हो गया, गरीब रथ हो गया, दुरंत हो गया, इस तरीके से बहुत सारे आपको जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है ना वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही मस्त गेम है यार, ग्राफिक्स भी अच्छी है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो गाइस, बात करते हैं नंबर 4 गेम के बारे में। तो इस गेम का नाम है IDBS सिमुलेटर सुमा 13। देखो भाई, इस गेम का नेम थोड़ा सा अलग टाइप की है, बट जो गेम है ना बहुत ही मस्त होने वाला है। देखो बेसिकली जो गेम है ना इंडोनेशियन गेम है, बट यार गेम के अंदर जो मैप देखने को मिलता है, जो लोकेशन आपको देखने को मिलता है, जो बास मिलते हैं ना, सारे के सारे इंडियन बास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं मानता हूं कि यहां पर आपको इंडोनेशियन बास भी देखने को मिल जाएगा, बट इंडियन बास मेरे को ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। इस गेम के अंदर आपको ना बास का जो इंटीरियर है मुझे काफी सही लगता है, साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। जब आप बास चलाओगे ना साइड पे, यहाँ पर जो एक नेचर साउंड आता है या फिर बास का जो इंजन साउंड होती है ना वो बहुत ही सही आपको सुनने को मिल जाता है, ठीक है। रोड के ऊपर आप लोग देख सकते हो भाई, ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, एंड ग्राफिक्स मेरे को अच्छा खासा लगा, मतलब सही ग्राफिक्स है भाई। आपके पास अगर 2 GB रैम वाला डिवाइस है ना, आराम से ट्राई करो भाई, बहुत ही सही गेम है। और इस गेम का साइज है 112 MB, जो गेम है ना पूरी तरीके से ऑफलाइन है, तो इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो गाइस, बात करते हैं नंबर 3 गेम के में। तो इस गेम के नाम है किबा फूड सिमुलेटर। दोस्तों ये जो गेम है ना यार बहुत ही मस्त गेम है। ये जो गेम है आई थिंक 2-3 महीने पहले जो है ना रिलीज हो चुका था, एंड अभी तक आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई। ये जो गेम है ना, इसके अंदर आपके पास एक रेस्टोरेंट होता है, एंड इस रेस्टोरेंट के अंदर आपके दुकान पे काफी सारे लोग आते हैं, खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं, एंड आप क्या करते हो भाई, सबसे पहले फूड को तैयार करते हो, जो ऑर्डर आपको मिलता है उसको आपको तैयार करना पड़ेगा, एंड उसके बाद उसको सर्व करना पड़ता है। अगर खाना पसंद आ गया तो जो लोग आते हैं ना वो आपको टिप्स वगैरह भी देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही मस्त गेम है यार, बहुत ही सही गेम है। इस गेम के अंदर आपको खाना बनाने के टाइम पे ना बहुत सारे ऐसे खाना आपको देखने को मिल जाएगा जो आपने कभी खाया ही नहीं है, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत खाना देखा हुआ है, तो बहुत ही सही गेम है। और इस गेम के साइज 114 MB, जो गेम है ना पूरी तरीके से ऑफलाइन है, और ग्राफिक्स तो आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो भाई, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो गाइस, बढ़ते आगे और बात करते हैं नंबर 2 गेम की बारे में। इस गेम का नाम है इंटरनेट गेमर कैफे सिमुलेटर। दोस्तों ये जो गेम है ना बेसिकली एक पीसी गेम है। इस गेम के अंदर क्या होता है ना, आपके पास एक गेमिंग शॉप होता है, एंड आपके पास बहुत सारे गेमिंग पीसी होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग गेमिंग पीसी चेयर वगैरह लगा के आप लोग रखते हो दुकान पे, एंड क्या होता है ना, आपकी दुकान पे काफी सारे लोग आते हैं, काफी सारे गेमर आते हैं गेम खेलने के लिए, एंड वो लोग गेम खेलते हैं, उसके बाद आपको पैसे पी करके चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भाई जो गेम है चलता है, एंड इस गेम के अंदर आप लोग हर एक पीसी के अंदर जाके ना आप लोग न्यू न्यू गेम को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, न्यू न्यू गेम को आप लोग खरीद सकते हो, जैसे कि यहाँ पर GTA 5 हो गया, माइनक्राफ्ट हो गया, तो ये सारे गेम भी आपको देखने को मिल जाएगा इस गेम के अंदर। भाई बहुत ही सही गेम है यार, मेरे को तो काफी मजा आया। और इस गेम का जो ग्राफिक्स है ना मेरे को अच्छा खासा लगा, मतलब ठीक ठाक ग्राफिक्स है। और गेम का साइज होने वाला है 110 MB, जो गेम है ना पूरी तरीके से ऑफलाइन है, एंड आप लोगों को तो पता ही होगा भाई, इस गेम को ऑलरेडी टेक्नो भाई ने भी खेला हुआ है, तो अभी तक आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, बात करते हैं इस वीडियो की लास्ट गेम की बारे में। तो भाई इस गेम का नाम है स्टोर मैनेजमेंट सिमुलेटर। दोस्तों मेरे को आप लोगों ने बहुत बार कमेंट किया है कि भाई सेम टू सेम, एकदम सेम जैसा सुपरमार्केट सिमुलेटर गेम है ना पीसी के अंदर, सेम गेम हम लोगों को मोबाइल फोन पर चाहिए। तो गाइस देखो यार, फाइनली जो गेम है प्ले स्टोर के ऊपर आ चुका है। अभी जो गेम है ना भाई ईयरली एक्सेस पर चल रहा है, मतलब जो गेम है ना कुछ दिन पहले रिलीज हुआ है, अभी तक आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, एकदम सा सेम टू सेम गेम है। इस गेम के अंदर आपको सेम पीसी देखने को मिल जाता है, सेम शॉप को देखने को मिल जाएगा, सेम जो यहाँ पर काउंटर वगैरह होती थी सब कुछ सेम होने वाला है, ठीक है। और सेम आपको सामान भी देखने को मिल जाता है, मतलब जो ऑरेंज जूस वगैरह आपको देखने को मिलता है सुपर मार्केट के अंदर, सारे के सारे सेम सामान आपको देखने को मिल जाएगा इस गेम के अंदर, ठीक है। तो एक बार जाओ भाई ट्राई करो यार, इस गेम का साइज भी बहुत ज्यादा कम होने वाला है, 170
मल्टी मीडियम का साइज है, जो गेम है ना पूरी तरीके से ऑफलाइन भी है। तो चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो भाई, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ऑल राइट दोस्तों, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। होप करते हो कि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, एंड अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुआ है तो जाओ यार ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है।